नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद अ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर. शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट. ए गार्डन डेवलप्ड अराउंड द हाउस. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हिज हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अच्छा, इसमें सबसे पहले है क्या चीज़? ये दे रखा है हमें हाउस का. हाउस हमें गिवन है, ये बीच वाला जो है हाउस है, और ये पूरा का पूरा प्लॉट दे रखा है, और इसके बीच में जो ये है ये हमारा गार्डन है. हमें निकालना है गार्डन की कितनी कॉस्ट होगी डेवलप करने की. तो सबसे पहले हमें प्लॉट का एरिया निकालना होगा. प्लॉट किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल की फॉर्म में है. तो रेक्टेंगल की फॉर्म में है तो प्लॉट की एक साइड दे रखी है 25. ये रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं है, ये पता चला हमें, स्क्वायर की फॉर्म में है, सॉरी. ठीक है, सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई 25 इट मीन्स 625 मीटर स्क्वायर. ये तो आ गया हमारा प्लॉट का एरिया. अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ हाउस. हाउस की कितनी कितनी दे रखी है? 15 मीटर और 20 मीटर. ये है रेक्टेंगल फॉर्म में. तो ये कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर. अब हमें बात किसकी करनी है? सिर्फ गार्डन की. तो प्लॉट में से हाउस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? गार्डन का एरिया आ जाएगा, यानी कि 625 माइनस 300 इक्वल्स टू 325 मीटर स्क्वायर. ठीक, अब हमें क्या निकालनी है? इसकी कॉस्ट निकालनी है. अगर हम 325 मल्टीप्लाई 55 करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 17875 यानी कि 17875 रुपीज़. कितने हो जाएगी? रुपीज़ 17875 रुपीज़. सबसे पहले हमने क्या करा? हमें सिर्फ निकालनी थी गार्डन की कॉस्ट निकालनी थी, ना हाउस से मतलब था ना प्लॉट से मतलब था. लेकिन गार्डन की निकालने के लिए सबसे पहले हमने प्लॉट की निकाली, फिर उसके बाद हमने हाउस की निकाली, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया. माइनस करने के बाद कितना आया? 325 मीटर स्क्वायर. और 325 मीटर स्क्वायर किसका है? गार्डन का. और हमें निकालनी थी उसकी कॉस्ट, कितना टोटल कॉस्ट लगेगी उस गार्डन को डेवलप करने के लिए. पर मीटर स्क्वायर था और ये मीटर स्क्वायर में चल रहा था, कोई भी यूनिट इसमें चेंज नहीं करनी थी. मीटर का मीटर में ही था, सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं था.